हे नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं MI के लैपटॉप के बारे में, जो कि जो है अमेजोन के वेबसाइट पे यहाँ पर लिस्टेड हो चुका है और ऑफिशियली जो है यहाँ पर 11 जून को जो है यहाँ पर लॉन्च भी होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो चाइना में जो हाल ही में अपने 3 लैपटॉप जो है पर चाइना में लॉन्च किए थे, जो कि था रेडमी बुक 13, रेडमी बुक 14 और रेडमी बुक 16। ये सभी लैपटॉप जो है यहाँ पर राइजन के प्रोसेसर के साथ जो यहाँ पर चाइना में लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ आ रही है कि रेडमी बुक 13 ही जो है यहाँ पर इंटेल के प्रोसेसर के साथ रीब्रांड करके जो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन ये भी अभी तक यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि MI जो है अपने रेडमी बुक 13 को ही जो है यहाँ पर रीब्रांड करके इंडिया में लॉन्च करने वाला है। शायद MI जो है कुछ अलग जो है यहाँ पर लैपटॉप भी यहाँ पर लॉन्च कर सकता है। तो हम आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है यहाँ पर रेडमी बुक 13 के इमेजेस लास्ट में शो कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो MI का नया लैपटॉप है जो कि 11 तारीख को यहाँ पर लॉन्च होने वाला है, वो अमेजोन की वेबसाइट पर लिस्टेड हो चुका है। तो वहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस लैपटॉप के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का एक पोस्टर भी जो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक एपिक हैपन लॉन्चिंग ऑन 11/6/2020, मतलब 11 तारीख को जो है आपको ये वाला लैपटॉप जो है लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें नीचे की तरफ कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जैसे कि टर्न हेड एनीवेयर, मतलब आप इसे जो है 180 डिग्री तक यहाँ पर रोटेट कर पाओगे। और बात करें तो आपको सीधा बिगर पिक्चर इन फुल HD प्लस डिस्प्ले, तो आपको यहाँ पर फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। शायद से आपको यहाँ पर 14 इंच तक का जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी सारे वेबसाइट में जो ये भी लिस्टेड कर दिया गया है कि 13.3 इंच का जो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो गोवा ने पावर ट्रिप, मतलब इसके प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको इंटेल का कोर i7 का जो इसमें प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर MI ने खुद ही यहाँ पर आपको इमेज शो कर दिया है, जहाँ पर इंटेल कोर i7 का जो यहाँ पर इमेज आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले तो इसमें जो है विद ग्रेट स्पेस कम विद ग्रेट स्पीड, मतलब आपको परफॉर्मेंस जो इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। वैसे भी जो MI के लैपटॉप होते हैं काफ़ी प्रीमियम लैपटॉप जो आपको देखने को मिलते हैं MI की तरफ से, और नेवर रन आउट इस तरह का एक इमेज आपको शो किया गया, मतलब आपको इसमें अच्छे खासे जो इंटरनल स्टोरेज और रैम भी जो देखने को मिल जाएगी। अगर बात कर ले इसके बजट की, तो काफ़ी जो यहाँ पर ये बजट लैपटॉप बताया जा रहा है, 30,000 के अराउंड जो है लैपटॉप जो यहाँ पर लॉन्च हो सकता है, ऐसा काफ़ी न्यूज़ आ रहा है। अगर वो बात कर ले लास्ट में कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो 30,000 के अंदर जो है आपको इसमें 4GB तक की जो है पर रैम देखने को मिल सकती है, और SSD ज़्यादातर जो है MI के जो लैपटॉप होते हैं काफ़ी प्रीमियम होते हैं, तो SSD जो है यहाँ पर MI अपने लैपटॉप में यूज़ करते हैं, तो 512GB तक का जो आपको SSD इसमें देखने को मिल सकता है या उससे कम ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वाला लैपटॉप जो है 30,000 के बजट में यहाँ पर लॉन्च होता है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ, जो मैंने आपको अभी स्पेसिफिकेशन बताया है वही स्पेसिफिकेशन के साथ, तो काफ़ी अच्छा जो एक लैपटॉप होने वाला है बजट रेंज के अंदर सभी के लिए। और MI की तरफ से जो है अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि MI जो है यहाँ पर एक ही लैपटॉप लॉन्च करने वाला है या फिर डिफरेंट वेरिएंट जो इसके लॉन्च करने वाला है, तो वो भी हमें जो है 11 तारीख को पता चल जाएगा। प्राइस के साथ जो है दूसरे स्पेसिफिकेशन भी जो है हमें 11 तारीख को जो है पर पता चल जाएंगे। लेकिन आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्राइस रेंज में जो है MI का ये वाला लैपटॉप आपको देखने को मिल सकता है और कौन से स्पेसिफिकेशन आपको जो इसमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं रेडमी बुक 13 के जो आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं आपको कुछ रेडमी बुक 13 जो है कुछ इस तरह का जो है देखने को मिल जाता है, दिखने में काफ़ी स्लीक और काफ़ी प्रीमियम दिखता है। तो कुछ इसी तरह का मॉडल जो है यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।